इंडियन क्रिकेट टीम के स्टार विकेटकीपर बैटर ऋषभ पंत का दिल्ली से अपने घर देहरादून लौटते समय रुड़की में बड़ा एक्सीडेंट हुआ। फिलहाल ऋषभ देहरादून के मैक्स हॉस्पिटल में है और खतरे से बाहर है। वहीं इस एक्सीडेंट को लेकर फैंस के बीच कई तरह के सवाल चर्चा में बने हुए हैं। कुछ ने एक्सीडेंट के पीछे की वजह ऋषभ का श्रीलंका सीरीज में सिलेक्शन ना होना बताया है। वहीं अब ये सवाल उठ रहा है कि ऋषभ पंत की जगह कौन सा प्लेयर हो सकता है टीम इंडिया में शामिल। नमस्ते, मैं शिवम हूं और आप हैं मंच पर। ऋषभ के एक्सीडेंट के बाद से अब उनके क्रिकेट करियर को लेकर कयासों का दौर शुरू हो गया है। अगले साल आईपीएल, वनडे वर्ल्ड कप और एशिया कप होना है। ऋषभ आईपीएल में दिल्ली कैपिटल्स टीम के लिए खेलते हैं और इस टीम के कैप्टन भी है। दिल्ली की टीम ने उन्हें इस साल 16 करोड़ में रिटेन किया है, लेकिन अब चोट को देखकर लग रहा है कि वो इस साल आईपीएल नहीं खेल पाएंगे। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक डॉक्टर्स ने भी ऋषभ को लेकर अपने अपडेट में बताया है कि उन्हें काफी गंभीर चोट लगी है और लगभग एक साल तक वो क्रिकेट नहीं खेल पाएंगे। वहीं क्रिकेट फैंस के बीच ये भी चर्चा है कि अगले महीने श्रीलंका के खिलाफ होने वाले वनडे और T20 सीरीज में उन्हें टीम में शामिल नहीं किया गया था, जिससे वो टेंशन में थे, जिस वजह से उनका सुबह एक्सीडेंट हो गया। डॉक्टर्स की रिपोर्ट को देखकर ये तो तय हो गया है कि ऋषभ अगले साल होने वाले एशिया कप और वनडे वर्ल्ड कप नहीं खेल पाएंगे। उनके एब्सेंस पर यंग ईशान किशन और संजू सैमसन में से किसी एक को टीम में शामिल किया जा सकता है, क्योंकि दोनों ही प्लेयर लगातार बेहतरीन प्रदर्शन कर रहे हैं। इस वजह से टीम में इन दोनों की दावेदारी मजबूत मानी जा रही है। वहीं इस फैसले को लेकर अब गेंद BCCI के पाले में है। ऋषभ पंत ने मीडिया को अपने दिए बयान में बताया है कि वो अकेले अपनी मर्सिडीज कार से दिल्ली से अपने घर देहरादून लौट रहे थे। वो अपनी माँ को न्यू ईयर से पहले सरप्राइज देना चाहते थे, लेकिन ड्राइविंग के दौरान उन्हें झपकी आ गई, जिससे रुड़की के नारसर बॉर्डर पर उनका ये एक्सीडेंट हो गया। उन्होंने आगे बताया कि वो विंड स्क्रीन तोड़कर बाहर निकले, जिससे कुछ मिनट बाद कार में आग लग गई। ऋषभ पंत से जुड़ा क्या कुछ नया अपडेट आता है, उसे हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। बाकी के लिए स्टोरी को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसे ही और स्टोरीज का नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें।